हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं निशान भारद्वाज और मैंने आपको पिछली क्लास में पार्टनरशिप का टॉपिक समझाया था। तो पार्टनरशिप का टॉपिक जब मैंने आपको समझाया था तो उसमें मैंने आपको दो अकाउंट समझाए थे। पहला अकाउंट उसमें आपका था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और सेकेंड अकाउंट उसमें आपका था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब मैंने आपको समझाया था तो उसमें आपका एक आइटम आ रहा था जिसका नाम था आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपके प्रॉफिट एंड लॉस जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसमें आपका एक इंपोर्टेंट आइटम है, तो वो अपन स्टार्ट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग समझाने से पहले मैं आपको एक बार ये समझाना चाहूंगा कि यहाँ ये जो नाम है, वर्ड है ड्रॉइंग्स, ये क्या होता है। तो ये जो ड्रॉइंग्स है ये सभी आपने 11th क्लास में सबने पढ़ा था कि बिजनेस का कोई भी जो ओनर होता है वो जब अपने बिजनेस में से जब वो विड्रॉ करता है, ओनर विड्रॉ करता है क्या, आइदर कैपिटल, आइदर कैश और गुड्स। ठीक है, ओनर जब अपने बिजनेस में से विड्रॉ करता है कैश और गुड्स पर्सनल पर्पज के लिए, पर्सनल यूज के लिए, तो ये आपकी कहलाती है ड्रॉइंग्स। ठीक है, ये आपकी कहला गई ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स बेसिकली कितने प्रकार की हो सकती है, तो ड्रॉइंग्स दो प्रकार की हो सकती है, तो वो मैं आपको समझाता हूं कैसे। मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर हैं, ठीक है, इनकी पार्टनरशिप फर्म है, तो ये बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, तो जब ए और बी जब बिजनेस करेंगे तो ये सबसे पहले इन्वेस्ट क्या करेंगे, ये इन्वेस्ट करेंगे यहाँ पे कैपिटल। ठीक है, कैपिटल। तो जब ए या बी को जब अपने पर्सनल पर्पज के लिए जब ए या बी आइदर कैश और गुड्स निकालेंगे अपने पर्सनल पर्पज के लिए, तो वो यहां से निकालेंगे बिजनेस से। अब बिजनेस में ए और बी ने क्या क्या लगा रखी है, पहला जो इनका हिस्सा है वो इनका हिस्सा है कैपिटल का, ठीक है, सेकंड यहां पे इनका जो हिस्सा है वो इनका यहां पे हिस्सा है प्रॉफिट का। ठीक है, मतलब ए और बी जब पर्सनल यूज के लिए कैश निकालेंगे, ए और बी पर्सनल पर्पज के लिए जब कैश निकालेंगे तो या तो वो कैपिटल से निकालेंगे या फिर वो प्रॉफिट से निकालेंगे। ठीक है, तो ड्रॉइंग्स आपकी दो प्रकार की हो गई, ड्रॉइंग्स फर्स्ट आउट ऑफ कैपिटल और सेकंड आउट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, फर्स्ट आपकी ड्रॉइंग्स हुई आउट ऑफ कैपिटल और सेकंड आपकी ड्रॉइंग्स हुई आउट ऑफ प्रॉफिट। तो ये जब पार्टनर्स आउट ऑफ कैपिटल में से जब पार्टनर कैश निकालेंगे तो इस पे नो इंटरेस्ट, पार्टनरशिप फर्म इस पे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगी। क्यों, ये आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि जब पार्टनर्स आउट ऑफ कैपिटल्स में से ड्रॉइंग करेंगे तो उस पे इंटरेस्ट क्यों नहीं लगेगा। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि जब पार्टनर कैपिटल में से ड्रॉइंग करेंगे तो इंटरेस्ट क्यों नहीं लगेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपन। मान लीजिए एक पर्सन है ए, ठीक है, इसने बैंक में अकाउंट खुलवा रखा है, ठीक है, रुपीज 1 लाख इसके यहां पे जमा है, ठीक है, जिसपे बैंक इसको इंटरेस्ट दे रहा है 6% पर एनम। ठीक है, ए ने बैंक में अकाउंट खुलवा रखा है जिसने इसमें 1 लाख रुपये डिपॉजिट करवा रखे हैं और बैंक इसको इंटरेस्ट दे रहा है ₹6 पर एनम, रुपी सॉरी बैंक इसको इंटरेस्ट दे रहा है 6% पर एनम। अब ये 6% पर एनम ये देगा कब बैंक इसको, जब ये 1 ईयर के लिए रखेगा। अब मान लीजिए ए को 3 महीने बाद ही, आफ्टर 3 मंथ्स ए को ₹20,000 की जरूरत पड़ गई, तो ए गया बैंक के पास, ये गया ए बैंक के पास और ए बैंक के पास जाके ₹20,000 विड्रॉ कर लिया। ठीक है, विड्रॉ कर लाया, तो ए जब यहां से ₹20,000 विड्रॉ करके लाएगा तो
तो बैंक ऐसे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा। बैंक इंटरेस्ट चार्ज इसलिए नहीं करेगा ऐसे क्योंकि ये 1 लाख रुपए जो इन बैंक में जमा कराए थे ये उसमें से 20,000 वो जब निकला रहा है तो ये जो पैसा है वो एक ही तो है, इसलिए इस 20,000 रुपए पे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज बैंक नहीं करेगा। ये सेम कॉन्सेप्ट ही आपका पार्टनरशिप फर्म में, मान लीजिए कि ए और बी ने बिजनेस में कैपिटल लगाई, ठीक है, बिजनेस में मान लीजिए ए का हिस्सा है 5 लाख और बी का हिस्सा है 10 लाख। अब ए को पैसे की जरूरत पड़ी, यहां पे ए करके लेके आए ड्रॉइंग्स, तो जब ए ने ड्रॉइंग्स की और वो ₹1 लाख ले आया, तो जब वो ₹1 लाख लेके आएगा ना अपने बिजनेस से, तो उसपे पार्टनरशिप फर्म कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगी क्योंकि ये ड्रॉइंग कर रहा है, वो कर रहा है आउट ऑफ कैपिटल में से और ये ए का ही पैसा है। इसलिए यदि ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल होगी तो उसपे पार्टनरशिप फर्म कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगी, ठीक है। अब आपका सेकंड पॉइंट है ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, तो जब ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट होगा उसपे पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट चार्ज करेगी। अब मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन साइलेंट है, ना तो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है और ना ही क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है, इस स्थिति में आपको ये मानना है कि जो आपकी जो ड्रॉइंग है वो आपकी है ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। अब मैं आपको समझाऊंगा कि ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट कितने प्रकार की होती है, ठीक है, आइए। ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट यहां पे जो होगी वो आपके दो टाइप्स की होती है। पहली आपकी होगी पीरियोडिक ड्रॉइंग्स, ठीक है। सेकंड आपकी होगी यहां पे नॉन पीरियोडिक ड्रॉइंग्स, ठीक है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये पीरियोडिक ड्रॉइंग और नॉन पीरियोडिक ड्रॉइंग क्या क्या होती है, तो ठीक है मैं आपको समझाता हूँ। पीरियोडिक ड्रॉइंग्स ये होती है कि मान लीजिए दो पार्टनर हैं या तीन पार्टनर हैं, इन दोनों तीनों पार्टनर ने अपने बीच ये डिसाइड कर लिया कि ये जो ड्रॉइंग्स बिजनेस में से ये जो ड्रॉइंग्स करेंगे वो किस अनुसार करेंगे, इस संबंध में इन्होंने अपने रूल्स बना लिए कि भाई पार्टनर्स हर महीने, हर क्वार्टर या हर 6 मंथ से ड्रॉइंग्स करेंगे, ठीक है। तो पीरियोडिक ड्रॉइंग्स आप पहचानोगे कैसे, तो पीरियोडिक ड्रॉइंग्स आपको पहचानने के लिए आपको क्वेश्चन में पर मंथ पर क्वार्टर या पर वीक, ठीक है, ये जो वर्ड आ रहा है ना पर मंथ पर क्वार्टर पर वीक, यदि ऐसा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ये आपकी पीरियोडिक ड्रॉइंग कहलाएगी, ठीक है। और इसके अपोजिट हो गई आपकी नॉन पीरियोडिक ड्रॉइंग, इट मींस पार्टनर्स ने ये डिसाइड नहीं किया है कि कौन कब कब ड्रॉइंग्स करेगा, जिसको जब आवश्यकता होगी वो अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार यदि वो ड्रॉइंग्स करते हैं तो ये आपकी नॉन पीरियोडिक ड्रॉइंग्स कहलाएगी। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये बिजनेस तो पार्टनर्स का ही है तो फिर ये सर इंटरेस्ट ले क्यों रहे हैं, तो ये स्टूडेंट्स ये इंटरेस्ट इसलिए ले रहे हैं कि मान लीजिए दो पार्टनर हैं ए और बी, ए को पैसों की जरूरत पड़ रही है तो ए कभी ए ले गया ₹5 लाख, फिर इसको वापस से आवश्यकता पड़ी ये ले गया वापस ₹3 लाख, फिर ये वापस से ले गया ₹5 लाख, तो जब ए बार बार पैसे निकाल रहा है तो यहाँ ये जो बी है, बी के मन में ये आएगा कि यार ए अपने बिजनेस के पैसे को यूज कर रहा है तो फिर बी को यदि जरूरत नहीं होगी तो बी भी फिर बार बार पैसे निकालेगा। तो जब ए और बी बिना किसी कारण जब बिजनेस से पैसे निकालेंगे तो इससे आपका जो बिजनेस है इसकी जो फाइनेंशियल स्थिति है, वित्तीय स्थिति है, इस पर बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा और एक बिजनेस के लिए उसका जो कैश है वह बहुत जरूरी होता है, इसलिए ये आपका
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का कॉन्सेप्ट आया कि पार्टनर्स यदि पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से कैश का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस पर इंटरेस्ट लगेगा। तो बेसिकली आपके ड्रॉइंग्स हो गई दो, पीरियोडिक ड्रॉइंग्स और एक आपकी हो गई नॉन पीरियोडिक ड्रॉइंग्स। अब अपन इसमें समझेंगे कि इन पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो किस किस हिसाब से लगेगा। तो अपन आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको समझाया पीरियोडिक ड्रॉइंग्स, फिर मैंने आपको समझाया नॉन पीरियोडिक ड्रॉइंग्स। इस पीरियोडिक ड्रॉइंग्स में मैंने आपको समझा दिया कि यदि पर मंथ, पर क्वार्टर या पर वीक का शब्द लगा हुआ हो तो वो आपकी पीरियोडिक ड्रॉइंग्स कहलाएगी। इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है, ए विड्रॉ रुपीज 10,000 पर मंथ फॉर पर्सनल यूज। ये हो गई आपकी पीरियोडिक ड्रॉइंग्स। और मान लीजिए यहां सिर्फ लिखा हुआ है ए विड्रॉ रुपीज 5 लाख बस, तो ये आपकी हो गई पीरियोडिक ड्रॉइंग्स और ये आपकी हो गई नॉन पीरियोडिक ड्रॉइंग्स। ये इसका एग्जांपल हो गया। अब मैं आपको इसमें एग्जांपल समझाता हूं आपके इंटरेस्ट का। आइए इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए मैं आपको एक टेबल बना देता हूं ताकि जब ये टेबल आप समझ लोगे तो जाएंगे। ये हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के मैं दो पार्ट कर रहा हूं आपके। पहला इसका पार्ट है आपका पीरियोडिक ड्रॉइंग्स, ठीक है। पीरियोडिक ड्रॉइंग्स में भी मैं आपके दो पार्ट कर रहा हूं, डेट ऑफ ड्रॉइंग्स गिवन इन क्वेश्चन, ठीक है। पहला इसका पीरियोडिक ड्रॉइंग्स का आपके पार्ट हो गया, डेट ऑफ ड्रॉइंग्स गिवन इन क्वेश्चन। सेकंड आपके इसमें पार्ट हो गया, डेट ऑफ ड्रॉइंग्स नॉट गिवन इन क्वेश्चन। इसके बाद आपका ये था नॉन पीरियोडिक ड्रॉइंग्स, ठीक है। नॉन पीरियोडिक ड्रॉइंग्स के भी आपके दो पार्ट हैं, डेट ऑफ ड्रॉइंग्स नॉट गिवन इन क्वेश्चन। ठीक है, अब अगला इसका आपका पार्ट है, डेट ऑफ ड्रॉइंग्स गिवन इन क्वेश्चन। इसमें मैं आपके एक चीज समझाऊंगा स्टूडेंट्स आपको कि यदि आपको क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्रॉइंग्स नहीं दी गई है, चाहे वो पीरियोडिक ड्रॉइंग्स हो चाहे वो नॉन पीरियोडिक ड्रॉइंग्स हो, यदि आपके क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्रॉइंग्स नॉट गिवन, यदि आपके क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्रॉइंग्स नहीं दी गई है तो आपको इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसमें आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो चार्ज करोगे इन दोनों केसेज में वो आप करोगे 4-6 मंथ, ठीक है। तो आपके लिए इजी कैलकुलेशन कौन सी होगी? आपके लिए इजी कैलकुलेशन ये होगी कि एग्जामिनर जब आपका क्वेश्चन बनाए उसमें वो आपको डेट ऑफ ड्रॉइंग्स नहीं दे तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। उसमें आपको सीधा सा सिर्फ 4-6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज कर देना है। ये आपके पीरियोडिक ड्रॉइंग्स में डेट ऑफ ड्रॉइंग्स नॉट गिवन और नॉन पीरियोडिक ड्रॉइंग्स में आपके डेट ऑफ ड्रॉइंग्स नॉट गिवन। इट मींस नॉट गिवन में आपको सीधा 6 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज कर देना है, ठीक है। अब इसमें आपके दो चीजें बची। पहली चीज आपकी है पीरियोडिक ड्रॉइंग्स में डेट ऑफ ड्रॉइंग्स गिवन इन क्वेश्चन, सेकंड आपकी चीज है नॉन पीरियोडिक ड्रॉइंग्स में डेट ऑफ ड्रॉइंग्स गिवन इन क्वेश्चन। इट मींस आपका यदि वो डेट नहीं देता है ड्रॉइंग्स की वो आपके सोल्व हो चुका है। उसमें आपको 6 मंथ्स की ड्रॉइंग्स 6 मंथ्स पे आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है। अब मैं आपको समझाऊंगा कि यदि क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्रॉइंग्स दी गई हो तो आप किस अकॉर्डिंग उसको सोल्व करोगे। तो आइए पहले मैं आपको एक बार नॉन पीरियोडिक ड्रॉइंग्स का बताऊंगा, ठीक है।
यहाँ अपन ने समझा था कि ड्राइंग्स में आपके नॉन पीरियोडिक ड्राइंग्स और नॉन पीरियोडिक ड्राइंग्स में जब आपके क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन हो तो अपन किस अकॉर्डिंग करेंगे। तो जब आपके क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन होगी उसमें आपके जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो आपके लगेगा यूज ऑफ मनी का, ठीक है, यूज ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट आपके लगेगा। तो यूज ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ कि यूज ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट होता क्या है। मान लीजिए एक आदमी जिसका नाम है आपके राजन, ठीक है, तो राजन गया बैंक में और राजन ने बैंक में डिपॉजिट करा दिए ₹2,00,000 और ये जो ₹2,00,000 इसने राजन ने बैंक में डिपॉजिट कराए इसके बदले में बैंक इसको दे रहा है 8% पर एनम की रेट से ब्याज। पर ये जो 8% पर एनम बैंक इसको देगा वो इसको देगा कब, जब ये पूरे साल ये अमाउंट राजन बैंक में रखेगा। पर राजन तो आप जानते हो कि राजन तो ये अमाउंट पूरे साल बैंक में रख नहीं सकता। तो राजन ने क्या किया, राजन गया आफ्टर 3 months, राजन गया 3 months बाद बैंक में कि भाई मुझे तो मेरा पैसा वापस दे दो। तो जब राजन 3 महीने बाद जाके अपना जब राजन बैंक में से पैसा ले आएगा तो राजन को बैंक जो ब्याज देगा वो देगा सिर्फ 3 months का। तो ये कॉन्सेप्ट ही आपका कहलाएगा यूज ऑफ मनी का। इसको मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। मान लीजिए आपने आपके दोस्त को कुछ पैसा उधार दिया, तो आपने आपके दोस्त को पैसा उधार दिया 1 साल के लिए, मान लीजिए 15% पर एनम की रेट से, पर आपका दोस्त आपको 3 महीने बाद ही आपको आके आपका अमाउंट वापस दे देता है। तो जब वो 3 महीने बाद ही आपको अमाउंट दे देगा तो आप उससे जो इंटरेस्ट चार्ज करोगे वो सिर्फ 3 महीने का ही करोगे। तो यही कॉन्सेप्ट कहलाएगा आपका यूज ऑफ मनी। हालांकि आपको आपका दोस्त एक बार पैसे लेने के बाद देगा नहीं, पर फिर भी आप एक बार एग्जाम्पल में मान लीजिए कि आपको आपका दोस्त पैसे ले जाने के बाद वापस दे दिया, ठीक है। इसके बाद ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया राजन ने बैंक को दे दिया, ठीक है। अब मैं आपको ये वाला कॉन्सेप्ट एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म है ए और बी की, ठीक है। ए क्या कर रहा है, ए ने विड्रॉ किया अमाउंट ₹10,000, ये इसने किया 1 जून को, ठीक है। इसके बाद ए ने निकाले फिर से ₹20,000, ये इसने आपके निकाले 1 अक्टूबर को, और इसके बाद ए ने वापस निकाले ₹30,000, ये इसने निकाले नवंबर में 1 नवंबर को, ठीक है। अब मैं आपको एक बार इसका सबसे इजी तरीका बताता हूँ कि आप इसको किस अकॉर्डिंग सोल्व करोगे। इसके लिए आप एक बार लिख लीजिए, ये आपका फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे जो फॉलो होगा वो आपका होगा 18-19, ठीक है। अब आइए आप यहाँ पे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ठीक है। इस डेटा को आपको यहाँ पे एक बार इस डेटा को आप फिल कर दीजिए। ₹10,000 निकाले 1 जून को, इसके बाद 20 निकाले 1 अक्टूबर को और 30,000 निकाले 1 नवंबर को, ठीक है। जून में निकाले कितने, 10,000, इसके बाद 1 अक्टूबर को निकाले इसने 20,000 और 1 नवंबर को इसने निकाले ₹30,000, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ जो इंटरेस्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, उसकी आपके रेट दे रखी है आपने 15% पर एनम, ठीक है। अब आइए कि यूज ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट से सिंपल मेथड, मतलब बिल्कुल बेसिक सा ये कॉन्सेप्ट है, उसको आप किस तरीके से सोल्व करोगे। तो यहाँ ए ने जो 1 जून को जो पैसा निकाला वो ए ने कितने महीने के लिए काम में लिया, तो आप काउंटिंग कीजिए जून से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये इसने निकाला फॉर 10 मंथ, ठीक है। इसके बाद 1 अक्टूबर को जो निकाला वो इसने काम में लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6 फॉर 6 मंथ, और ये जो निकाला 1 नवंबर को ये काम में लिया इसने 5 मंथ, ठीक है। इसमें एक बार आपकी ये जो डिटेल्स है ये आपकी काम में नहीं आएंगी, इसलिए मैं एक बार आप इसको मिटा देता हूं। इंटरेस्ट की रेट है 15%, ठीक है। तो अब आप निकालिए 10,000 इंटू 15 अपॉन 100 और कितने मंथ के लिए काम में लिया, इंटू 10 अपॉन 12, इसके बाद यहां आपके है 20,000, ये
अब 15/100 ये कितने महीने के लिए काम में लिया, 6/12, इसके बाद ये आपका जो है 30,000 इंटू 15/12 इंटू 5/12, ठीक है। इसको आप सोल्व कीजिए, ये आपका आएगा 750, ये आपका आएगा 1250, ये मैंने जल्दीबाजी में 6/12 कर लिया था, ठीक है। अब आइए अपन यहां पे, ये आपका आएगा 1500 और ये आपका अगला आपका आएगा 1875। इसका टोटल कीजिए एक बार, ये आपका आ गया 4625। अब ये आपके सबसे इजी कॉन्सेप्ट है, ये आपके समझ में आ गया होगा। अब मान लीजिए ऐसे ये जो ए निकाल रहा है, ये यहाँ अप्रैल में भी निकाले, मई में भी निकाले, जुलाई में भी निकाले, जून, सारे ये 12 महीने में पैसे निकाल रहा है, तो आपके लिए ये प्रोसेस बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगी। इसलिए इसके साथ साथ सिंपल मेथड के साथ साथ आपके यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है, उसका आपका नाम है प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। तो प्रोडक्ट मेथड से और सिंपल मेथड से आपकी जो इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन आएगी वो आपके सेम आएगी। तो वो सेम कैसे आएगी, मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ अमाउंट आपको कितना आ रहा है, 4625, इसको एक बार आप यहाँ नोट कर लीजिए, 4625, ठीक है। अब आते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं, इसको एक बार आप मिटा लीजिए, ठीक है। प्रोडक्ट मेथड में आपको क्या करना है कि 10,000 रुपए काम मिली है 10 मंथ के लिए, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए आपस में, ये आपका आ गया 1 लाख, ठीक है। इसके बाद इस 20,000 को 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका आ गया 1,20,000। इसके बाद आप 30,000 को 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ गया आपका 1,50,000, ठीक है। इन तीनों का आप एक बार टोटल कर लीजिए, ये आपका आ जाएगा 3,70,000, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की आपकी क्या थी, 15% आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट थी, तो 3,70,000 मल्टीप्लाई 15/100। इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है, वो आपको ये है कि आप ये जो अमाउंट निकाल रहे हो इसको आपको एवरेज करना पड़ेगा, और ये आपका हो गया 1/12। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, आपको 1/12 करना है, ठीक है। तो जब भी आप 1/12 करोगे, ये आपका आ जाएगा 4625, ठीक है। तो ये देखिए आपका प्रोडक्ट मेथड से भी और आपका सिंपल मेथड से भी जो आपका अमाउंट आएगा वो आपका 4625 ही आएगा। तो जब आपके कैलकुलेशंस बड़ी हो तो आप प्रोडक्ट मेथड को काम में लीजिए, प्रोडक्ट मेथड से आपके आपका जो सॉल्यूशन होगा वो आपको जल्दी होगा। और प्रोडक्ट मेथड समझाने का एक और रीजन है कि कभी कभार एग्जामिनर सीधे ही क्वेश्चन में आपको ये बता देता है कि आपको जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपको जो कैलकुलेट करनी है वो आपको प्रोडक्ट मेथड से करनी है। तो प्रोडक्ट मेथड से भी मैंने आपको समझा दिया। अब आपके तीन चीजें मैंने आपको समझा दी। पीरियोडिक ड्रॉइंग्स में मैंने आपको समझा दिया था कि डेट ऑफ ड्रॉइंग्स नॉट गिवन, और नॉन पीरियोडिक ड्रॉइंग्स में मैंने आपको डेट ऑफ ड्रॉइंग्स नॉट गिवन और डेट ऑफ ड्रॉइंग्स गिवन दोनों समझा दिए। अब इसके बाद आपके जो नेक्स्ट चीज समझानी है वो मुझे आपको समझानी है कि पीरियोडिक ड्रॉइंग्स में जब आपके डेट ऑफ ड्रॉइंग्स दी गई हो तो उस स्थिति में आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स किस अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे, तो वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो पीरियोडिक ड्रॉइंग्स को मैंने आपको समझाया था कि पीरियोडिक ड्रॉइंग्स आप समझोगे कैसे कि ये क्वेश्चन है जो वो पीरियोडिक ड्रॉइंग्स का है, तो उसके लिए मैंने आपको समझाया था कि आपको बताया हुआ होगा कि पर मंथ या पर क्वार्टर लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो पीरियोडिक ड्रॉइंग्स में एक्चुअली कुछ परसेंटेज हैं वो आपको रटनी पड़ेंगी कि भाई यदि क्वेश्चन में ये दिया हुआ हो तो ये परसेंट होगी, यदि प्रश्न में ये दिया हुआ हो तो ये परसेंट होगी, और उस परसेंट को एक बार मैं आपको टेबल में समझाऊंगा, और उस टेबल में समझाने के बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो परसेंट मैं सीधे यहाँ पे लिखूंगा इसका क्या लॉजिक है। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए आप जो ड्रॉइंग्स कर रहे हो वो आप कर रहे हो पर मंथ, ठीक है। तो जब आप पर मंथ ड्रॉइंग कर रहे हो तो उसमें आपके तीन पार्ट होंगे। मान लीजिए आप बिगिनिंग में ड्रॉइंग्स कर रहे हो, बिगिनिंग ऑफ पर मंथ बिगनिंग में आप कर रहे हो, ठीक है। इसके साथ आप मिड में कर रहे हो,
या मान लीजिए आप एंड ऑफ द मंथ ड्रॉइंग्स कर रहे हो, ठीक है, तो यदि आप मिड में ड्रॉइंग करोगे तो आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है 6 मंथ का। यदि आप बिगिनिंग में ड्रॉइंग करोगे तो आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है 6.5 मंथ का, और यदि आप एंड में करोगे तो आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है 5.5 मंथ का। ठीक है, मिड में 6 मंथ का चार्ज करना है, बिगिनिंग में कर रहे हो तो 0.5 ऐड कर दीजिए और एंड में कर रहे हो तो 0.5 लेस कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद यदि आप कर रहे हो पर क्वार्टर का, ठीक है, तो जब आप पर क्वार्टर का करोगे तो पर क्वार्टर में भी वही 3 कॉन्सेप्ट आपके इसमें आ जाएंगे, बिगिनिंग, मिड और एंड। ठीक है, बिगिनिंग, मिड और एंड। तो यदि आप मिड में करोगे तो यहां आपको वही सेम 6 मंथ का इंटरेस्ट आप चार्ज करोगे, यदि आप बिगिनिंग में करोगे तो 6 मंथ में आप 1.5 ऐड कर दीजिए, यहां आप 7.5 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करोगे। ठीक है, और यदि आप यहां करोगे तो इसमें आप 4.5 मंथ का इंटरेस्ट आप चार्ज करोगे। ठीक है, एक बार के लिए आपको इस चार्ट को अपने दिमाग में बैठाना है, ये जो आप 6.5 का हो गया या ये आपका 6 का हो गया, ये 5.5 का हो गया, तो ये किस तरीके से आया, ये मैं आपको समझाऊंगा। इसके लिए आप एक बार ये जो टेबल मैंने बनाई है इसको आप एक बार अपनी बुक में नोट कर लीजिए, और ये टेबल नोट करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ ये जो 0.5 जोड़ रहे हैं, 0.5 लेस कर रहे हैं, 1.5 ऐड कर रहे हैं और 1.5 लेस कर रहे हैं, ये अपन किस अकॉर्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ स्टूडेंट्स, तो आपने नोट कर लिया, तो अब अपन मैं आपको समझाऊंगा कि ये जो मंथ्स मैंने निकाले वो कैसे निकाले या किस फॉर्मूले से निकाले, तो वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, इसमें आपको एक फॉर्मूला पहले समझना पड़ेगा, जो आपके फॉर्मूला है रिमेनिंग पीरियड इन ए ईयर आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस रिमेनिंग पीरियड इन ए ईयर आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग। इट मीन्स आपको यहां पे फर्स्ट ड्रॉइंग पे और लास्ट ड्रॉइंग पे फोकस करना है। मैं आपको समझाता हूं कि जब आपने फर्स्ट ड्रॉइंग की उसके बाद का रिमेनिंग पीरियड प्लस जब आपने लास्ट ड्रॉइंग की उसके बाद का रिमेनिंग पीरियड, इन दोनों रिमेनिंग पीरियड्स को आप ऐड कर लीजिए और इनको आप डिवाइड कर दीजिए बाई 2 से। तो जब आप फर्स्ट ड्रॉइंग के बाद का पीरियड और जब आप लास्ट ड्रॉइंग के बाद का पीरियड जोड़ करके जब आप 2 से डिवाइड कर दोगे, तो इससे पहले जो मैंने आपको जो टेबल बताई थी जिसमें 6 मंथ, 6.5 मंथ, 5.5 मंथ और जो पर क्वार्टर की जो रेट थी 6 मंथ, 7.5 मंथ और 4.5 मंथ, वो आपको मैंने इस फॉर्मूले से जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके वही रेट आएंगे। ठीक है, ये मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ कि कैसे आएंगे। ठीक है, तो आइए मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म में ए और बी, ए आपका ए विड्रॉ कर रहा है, ठीक है, ₹10,000, ठीक है, पर मंथ कर रहा है वो बिगनिंग ऑफ द ईयर। ठीक है, इसके साथ साथ वो आपके बिगनिंग ऑफ द ईयर। ठीक है, तो आइए मैं आपको बताता हूँ कैसे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब और मार्च। ठीक है, ये 10,000 रुपीज आपके निकाल रहा है बिगनिंग ऑफ द ईयर में। तो बिगनिंग ऑफ द ईयर का मतलब आपको हुआ ये 1 अप्रैल को ये पैसा निकाल रहा है, कितने रुपए, 10,000। ठीक है, और हर मंथ पे वो निकाल रहा है पर मंथ। ठीक है, तो आपके मई में भी इतने ही निकालेगा, मई, जून, जुलाई सब में वो निकालेगा, यहां चलता चलता वो मार्च में आ गया, 1 मार्च में, और यहां भी इसने 10,000 रुपए निकाल लिए। अब मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था वो आपका ये था कि रिमेनिंग पीरियड इन ए ईयर आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, इट मीन्स जब आपने पहली ड्रॉइंग्स की उसके बाद
रिमेनिंग पीरियड की कितना बचा, तो आपने 1 अप्रैल को ड्रॉइंग कर ली थी, तो उसके बाद कितना टाइम बचा, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये आ गया आपका 12, ठीक है। प्लस इसके बाद मैंने आपको सेकंड चीज बताई थी कि रिमेनिंग पीरियड इन ए ईयर आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग्स, तो लास्ट ड्रॉइंग्स आपने कब की, 1 मार्च को, 1 मार्च के बाद कितना टाइम बचा, 1 मार्च के बाद आपका बचा 1 मंथ, तो ये आपका आ गया 1/2, ठीक है। तो इसमें आपका आ गया 6.5, ठीक है। ये आपके हो गई पहली चीज, जब ए पैसे निकाल रहा है आपके बिगनिंग ऑफ द ईयर में, ठीक है। अब मान लीजिए ए आपके यहाँ पे बिगनिंग ऑफ द ईयर में, सॉरी बिगनिंग ऑफ द मंथ में, यदि आपके ए पैसे ना निकालते हुए आपके ए आपका अमाउंट निकाल रहा है मिड में, ठीक है। तो जब मिड में पैसा निकालेगा, इट मींस यहां इसने निकाले हैं 15 अप्रैल को और यहां इसने निकाले हैं 15 मार्च को, ठीक है। तो जब वो मिड में जब आपका पैसा निकालेगा, तो यहां इस, तो यहां ये अमाउंट कितने टाइम काम में, तो यहां इसके बाद रिमेनिंग पीरियड कितना बच रहा है, 11.5, और यहां ये अमाउंट कितना बच रहा है, कितना पीरियड बच रहा है, 0.5/2 = 6। और मान लीजिए यहां ये मिड के स्थान पे यहां आपके लिखा हुआ एंड ऑफ द मंथ, ठीक है, एंड आ गया यदि, तो यहां इट मीन से निकालेगा आपका 30 अप्रैल को और यहां आपका ये निकालेगा 30 मार्च को। तो जब ये 30 अप्रैल को निकालेगा, तो कितना रिमेनिंग पीरियड रहा फर्स्ट ड्रॉइंग के बाद, 11 मंथ, और यहां रहा 0, तो 0/2 इट मींस 5.5। तो आप देख लीजिए, मिड में मैंने आपको यही रेट बताई थी 6, बिगनिंग में बताई थी 6.5 और एंड में मैंने आपको बताई थी 5.5। ऐसी कैलकुलेशन सेम, ये मैंने आपको पर मंथ वाली बता दी। जब आप पर क्वार्टर की करोगे, तो पर क्वार्टर में भी आप ये वाला ही फॉर्मूला काम में लीजिए कि पहले की जब आपने फर्स्ट ड्रॉइंग की, उसके बाद कितना टाइम बचा है, सेकंड ड्रॉइंग के बाद कितना टाइम बचा है, डिवाइड बाई 2 कर लीजिए, आपके ये आ जाएंगे। तो ये मैंने आपको जो, ये आपका जो कॉन्सेप्ट था, इसमें मैंने आपको 4 चीजें मैंने आपको समझा दी हैं। पहली चीज इसमें आपके थी पीरियोडिक ड्रॉइंग्स, सेकेंड चीज थी नॉन पीरियोडिक ड्रॉइंग्स, पीरियोडिक ड्रॉइंग्स और नॉन पीरियोडिक ड्रॉइंग्स में मैं आप एक बार आपको फटाफट एक छोटा सा आर्ट बना के ये चीज समझा देता हूँ, दोबारा मैं आपको एक बार रिवाइंड करवा देता हूँ। ये आपके थी ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स में आपके पहली चीज थी पीरियोडिक ड्रॉइंग्स, सेकेंड चीज थी आपके नॉन पीरियोडिक ड्रॉइंग्स, पीरियोडिक ड्रॉइंग्स में आपके 2 चीज थी, डेट ऑफ ड्रॉइंग्स गिवन, डेट ऑफ ड्रॉइंग्स नॉट गिवन। नॉन पीरियोडिक में भी आपके 2 चीजें थी, डेट ऑफ ड्रॉइंग्स नॉट गिवन और डेट ऑफ ड्रॉइंग्स गिवन, ठीक है। तो इन दोनों का मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया था कि यदि डेट ऑफ ड्रॉइंग्स ना दी गई हो, तो आपको 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करना है, और ये आपका जो नॉन पीरियोडिक ड्रॉइंग पर डेट ऑफ ड्रॉइंग्स गिवन हो, तो आपको यहाँ पे यूज ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है। और जब आपके ये डेट ऑफ ड्रॉइंग्स गिवन हो पीरियोडिक ड्रॉइंग्स में, फिर आपको ये जो मैंने आपको जो ये रेट्स याद करवाई हैं, और मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक फॉर्मूले से भी समझाई है, 6% 6.5% ये वाला हो गया आपका ये, तो ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। इसके बाद ये आप एक टेबल बना लोगे ना, इसके बाद आप एक यहाँ एक वर्किंग नोट में डालिए, वर्किंग नोट में आप ये डालिए कि क्वेश्चन में जब वो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताए, और मान लीजिए उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट जब उसने सीधा लिख दिया कि 10%, ठीक है। अब इस 10% के आगे यदि एग्जामिनर क्वेश्चन में पर एनम नहीं लिखता है, ध्यान दीजिएगा आप मेरी बात, यदि एग्जामिनर क्वेश्चन में पर एनम नहीं लिखता है, तो उस स्थिति में आपको ये वाले कॉन्सेप्ट याद नहीं रखने हैं, आपको सीधा कोई भी अमाउंट, मान लीजिए एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, ए विड्रॉ कर रहा है, ए विड्रॉ ₹2 लाख, ठीक है, और इंटरेस्ट इंटरेस्ट चार्ज का यहां पे लिखा हुआ है 15%, ठीक है। अब वैसे यदि आप इसको समझोगे, तो ये कौन सी ड्रॉइंग है, ये आपकी ड्रॉइंग है नॉन पीरियोडिक ड्रॉइंग्स, और नॉन पीरियोडिक ड्रॉइंग्स में कौन सी, जिसमें डेट ऑफ ड्रॉइंग्स नहीं दी गई हो, इट मींस यहां पे 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा, पर यहां पे आप फोकस करो कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो चार्ज कर रहा है वो 15% है, इसके आगे पर एनम वर्ड नहीं दिया गया। तो यदि यहां पर एनम वर्ड नहीं दिया गया, तो आपको सिंपल एक चीज करनी है, 2 lakh multiply by 15/100, बस ये आपका 30,000 का अमाउंट आ जाएगा। तो यदि क्वेश्चन में पर एनम वर्ड इंटरेस्ट के साथ नहीं दिया हुआ है, तो
तो आपको सीधी कैलकुलेशन करनी है, तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि यदि इंटरेस्ट के आगे पर एनम वर्ड लिखा हुआ है तो ही ये सारणी फॉलो होगी, यदि पर एनम वर्ड नहीं लिखा हुआ है तो ये जो इतना मैंने आपको समझाया ये आपके कोई काम में नहीं आएगा, आपको सीधा 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 आपको इसका सॉल्यूशन करना है। ये मैंने आपको एक बहुत बड़ा टॉपिक टॉपिक आपके जो इसमें जो था डेट ऑफ ड्रॉइंग सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये मैंने आपको समझा दिया है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको कम से कम 5 to 7 क्वेश्चंस करवाऊंगा, आपको 5 to 7 न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि आपका ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। अब यदि मेरी क्लास ये आपको पसंद आई है और यदि आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का जो कॉन्सेप्ट है यदि वो आपका क्लियर हो गया है स्टूडेंट्स, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए और आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।